हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इसमें मारवास मिठू एंड यू आर वाचिंग लाइफ ऑफ योर दुबई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे थे दुबई एक्सपो में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सपो का जो लास्ट मंथ है, 6 मंथ, वो अभी स्टार्ट हो चुका है और ये आखिरी मंथ है। कुछ दिनों में एक्सपो जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो हमने सोचा था कि विज़िट करेंगे और हमारा ये एक्सपो जाने का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही न रह जाए। तो फाइनली आज डे ऑफ था, तो हमने सोचा कि एक्सपो को विज़िट कर लें। तो अभी हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं और एक्सपो की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना। अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी वहाँ से लेके तो हम एक्सपो की तरफ रवाना होंगे। तो वहाँ पर पहुँच के फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ पहुँच के फिर एक्सपो का विज़िट करते हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। तो फाइनली अभी हम गाड़ी के पास आ गए हैं और गाड़ी ओपन हो रही है जी। ये हमने एक ऑनलाइन सर्विस कार किया इधर, वो हमने बुक किया है। तो इसमें हम मेट्रो तक जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग मेट्रो में दुबई एक्सपो में जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। तो फाइनली अब हम एक्सपो पहुँच चुके हैं और हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10-15 मिनट का डिस्टेंस है और हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। तो बस थोड़े टाइम की दूरी है यहाँ पर, हम बिल्कुल अब ये एक्सपो के बाहर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर में बस हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो हम लोग एक्सपो के मेन गेट के बाहर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं बैक साइड में। तकरीबन 2 मिनट का डिस्टेंस रह गया और यहाँ से हम लोग अब एंट्री करेंगे। ये जी मेन डोर पे हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ये जी मेन एंट्री एक्सपो की, यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो विज़िटर हैं वो बाहर आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। तो ये मेरे पास मोबाइल में टिकट है और यहाँ से तक ये एंट्री गेट लगे हुए हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। ये टिकट जो है QR कोड स्कैन करवा के, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। तो जी यहाँ से हमने टिकट अब स्कैन करवा ली है और अब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये क्यू है, लाइन्स हैं।
तो फाइनली यहाँ से टिकट ऑन करने के बाद अब यहाँ पर हम चेकिंग कराएंगे, उसके बाद ये यहाँ से एंट्री होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम एयरपोर्ट की तरह, यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है वैसे ही यहाँ पर चेकिंग हुई है हमारी। तो जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है वहाँ पर सेम चेकिंग हुई है, सीट ये जो बेल्ट था वो उतार है इन्होंने, अपना पॉकेट वगैरह में जो भी सामान है वो उतार के निकाल के आपने ट्रे वगैरह में रखना है। यहाँ पर स्कैनर्स लगे हुए हैं, यहाँ से स्कैन होते हैं, उसके बाद एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद वो टिकट जो थी वो स्कैन होती है, उसके बाद हम लोग जो फाइनली एक्सपो में अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे बैक साइड में ये पूरा एक्सपो है और यहाँ पर बहुत से पवेलियंस हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज पवेलियंस को विज़िट करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग, तो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है, और भी हम बहुत विज़िट करेंगे पवेलियन जितने भी हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। क्योंकि असल में मैं इसलिए यहाँ पर वेट कर रहा था क्योंकि मेरी तो एंट्री हो गई थी लेकिन मेरे जो बाकी दो दोस्त थे वो पीछे रह गए थे, तो उनकी एंट्री का वेट कर रहा था। तो फाइनली अभी उन लोगों के भी एंट्री हो चुकी है और वो लोग उधर आ चुके हैं और मैं भी उनकी तरफ जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा पवेलियन विज़िट करते हैं। तो मेरा तो इरादा पाकिस्तान पवेलियन को विज़िट करने का है। अभी देखो, अभी ये आप देख सकते हैं कि मैं इनके पास जा रहा हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने ये पेड साइकिल भी रखी हुई है, अगर आप लोग यहाँ पर आके बाईसाइकिल चलाने का आपको शौक़ है तो यहाँ से आप लोग आपने एप्लीकेशन करनी है और यहाँ से QR कोड इसका होता है, स्कैन करके आप यहाँ से बाईसाइकिल भी राइड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बैक साइड में, क्योंकि ये एक्सपो बहुत बड़ा है तो यहाँ पर आप पैदल जो लोग पैदल चलने के शौकीन नहीं हैं तो वो लोग थक जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये सर्विस भी इधर प्रोवाइड की हुई है।
तो फाइनली तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद हम लोग इधर पाकिस्तान पवेलियन में आ गए हैं। ये हम इसके बाहर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तकरीबन यहाँ पर अंदर जाने में तकरीबन हमें 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना रश है पाकिस्तान पवेलियन के बाहर। तो अभी तकरीबन काफ़ी पवेलियन हमने घूम लिए हैं और उसके अलावा बाहर से भी हमने काफ़ी एक्सपो को घूम लिया है। तो अभी हम थोड़ा थक गया था इसलिए हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लें। आप देख सकते हैं कि ये अभी इधर तकरीबन शाम भी हो गई है और अभी यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर हम लोग घूमेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एग्जिट कर जाएँगे। तो आई होप आप लोगों ने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आप लोगों ने इसको खूब इंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ये देखें अभी हम लोग यहाँ पर बैठे थोड़ा वेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को एक्सपो से रिलेटेड एक्सपो के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूँगा। ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे पवेलियन साथ साथ ही हैं। और अभी हम ये नॉर्वे में थे, यहाँ से हम लोग अभी इधर जा रहे हैं। ये सामने कैसे है और यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी। तो यहाँ पर एक अरबिक शो हो रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं शायद।
माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रात के टाइम। ये जी दुबई एक्सपो 2020 है। जिन लोगों ने अभी तक विज़िट नहीं किया तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि अभी तो इसकी प्राइस जो है, जो टिकट प्राइस है वो भी बहुत कम हो गई है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ये नाइट व्यू कैसा आ रहा है, ये देखें कैसा व्यू आ रहा है नाइट का। दिन के टाइम जब हमने यही डोम से एंट्री की थी उस टाइम का व्यू आप लोगों ने देखा, और उसके बाद अभी जो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो ये देखें कितनी प्यारी लाइट्स आप लोगों को नज़र आ रही है। मुझे मैं आप लोगों को बाहर जाके वहाँ से भी आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा। ये देखें इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ कलर की जो LED लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं, थोड़ी देर बाद अपना कलर चेंज करती है। ये देखा आप देख सकते हैं, ये जी दुबई एक्सपो था, या मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हैं कितने पवेलियन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, अगर आप लोग भी इंजॉय करने जाते हैं तो एक बार ज़रूर इसको विज़िट करें, क्योंकि अभी बिल्कुल लास्ट मंथ इसका चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से तो रमजान स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोग एक बार ज़रूर इसको विज़िट करें। लाइट्स अपना कलर चेंज कर रहे तो यहाँ से हमने एग्जिट किया था दिन को, और ये सारा बैक साइड में आप देख सकते हैं एक्सपो है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी, लेकिन यहाँ से हम लोग आए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं हमने एक्सपो का भी पीछे छोड़ दिया है। अभी अगर दोबारा हमें एंट्री करनी है तो हमें फिर इस साइड पर जाना पड़ेगा। तो आज का जो टूर था ये बहुत ही अच्छा गुजरा, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो फाइनली आज का व्लॉग इधर ख़त्म होता है, हमने अभी एक्सपो वो पीछे छोड़ दिया है। तो 4-5 घंटे हमने विज़िट किया है, बहुत इन्जॉय किया है। आप लोगों से भी यही है कि एक बार आप लोग ज़रूर इसको विज़िट करें। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सपो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, क्योंकि अभी हम लोग तकरीबन 10 मिनट चलेंगे, वहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी की हुई है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।
ठंडा हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ चाचू, ये बात सही बोल।